अक्षय कुमार जिनकी एक साल में 4-5 फिल्म रिलीज होने के साथ 6-7 अपकमिंग मूवी लाइन में रहती हैं, क्या आपको लगता है कि ये किसी अच्छी स्टोरी लाइन वाली फिल्म को रिजेक्ट कर सकते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं 3 ऐसी सुपर हिट फिल्मों के बारे में जिनको अक्षय कुमार ने रिजेक्ट कर दिया। नंबर 3 रेस। मसाला फिल्म के मामले में इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी में से एक इस फिल्म में सैफ अली खान, अनिल कपूर, बिपाशा बासु और कैटरीना कैफ जैसे कई बड़े एक्टर्स थे। तो मूवी ऑडिशन के समय डायरेक्टर मासूम खान अक्षय कुमार के परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे, जिस वजह से ये रोल सैफ अली खान को चला गया। नंबर 2 बाजीगर। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एसआरके ने नेगेटिव किरदार निभाया था। 90s एक ऐसा दौर था जिसमें ज्यादातर एक्टर्स नेगेटिव रोल करना पसंद नहीं करते थे और सेम इसी वजह से अक्षय कुमार ने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बाद में इस फिल्म ने 4 करोड़ के बजट के साथ 32 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया। नंबर 1 भाग मिल्खा भाग। अब तक की सबसे बेस्ट बायोपिक मूवीज में से फरहान अख्तर स्टारर इस फिल्म ने 210 करोड़ के कलेक्शन के साथ कई अवार्ड्स भी जीते थे। और आपको बता दूं अक्षय कुमार ने इस फिल्म को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उन्हें इसकी स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। वैसे मिल्खा सिंह के रोल के लिए फरहान अख्तर ही ठीक थे या अक्षय कुमार को